नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, जैसे बॉलीवुड में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की चर्चा होती है, वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार में अगर किसी का नाम शुमार होता है तो आप सभी के चाहते सुपर स्टार, हिट मशीन, ग्लोबल स्टार खेसारी लाल यादव हैं। अब खेसारी लाल यादव की एक पुरानी फिल्म को उठाकर NDTV ने एक ऐसा आर्टिकल छाप दिया है कि खेसारी लाल यादव के उस फिल्म के सामने सलमान खान की सुल्तान और आमिर खान की दंगल भी फीका पड़ जाएगी। और वो कौन सी फिल्म है, इसके बारे में हम आपको जानकारी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं NDTV का वो आर्टिकल्स लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि खेसारी लाल यादव की वो फिल्म जिसे देख भूल जाएंगे सुल्तान और दंगल, यूट्यूब पर मुफ्त में देखें चाहे जितनी बार हो। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। उनकी फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। खेसारी जब भी कोई फिल्म का अनाउंसमेंट करते हैं तो उसका बजट तभी से क्रिएट हो जाता है। खेसारी की एक्टिंग के लोग दीवाने हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उनकी एक ऐसी फिल्म भी है जिसे देख कर आप सलमान खान के सुल्तान और आमिर खान के दंगल को भूल जाएंगे। उनकी एक फिल्म है संघर्ष, इसे लोगों ने इतना पसंद किया है कि उसके बाद वो अब उनका दूसरा पार्ट भी लेकर आए हैं और दूसरा पार्ट जो है वो भी सुपरहिट रहा है। अगर आपने खेसारी लाल यादव की संघर्ष नहीं देखी है तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर जो है खेसारी लाल यादव की इस फिल्म को देख सकते हैं। और ये फिल्म यूट्यूब पर भी जबरदस्त तरीके का कमाल मचाई है, धमाल मचाई है। और अगर मैं इस फिल्म की बात करता हूं तो 163 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज जो है इस फिल्म ने प्राप्त कर लिया है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं बात करें तो खेसारी लाल यादव की ये फिल्म साल 2018 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में खेसारी यादव के साथ काजल राघवानी लीड रोल में नजर आई थी। खेसारी लाल यादव को फिल्म में काजल राघवानी से प्यार हो जाता है और भोले भाले खेसारी की शादी हो जाती है और वो एक जिम्मेदार इंसान बन जाते हैं। उसके बाद मस्ती खोर खेसारी जबरदस्त एक्शन करते नजर आते हैं। खेसारी और काजल की बेटी होती हैं। अपनी बेटी को पालने के लिए खेसारी क्या क्या करते हैं, देखने के लिए आपको फिल्म के देखने की ज़रूरत है। और यह फिल्म जो है यूट्यूब पर मौजूद है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेसारी की भोजपुरी में भी ऐसी फिल्में हैं जिसको देखने के बाद आप सलमान खान और आमिर खान जैसे लोगों की भी फिल्में देखना भूल जाएंगे। बाकी सच में आपने देखा है और देखा है तो क्या सच में आपको लगता है कि इस फिल्म को देखकर सच में उन जैसे बड़े दिग्गजों की फिल्म को भूल जाएंगे? इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।